दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों ये वीडियो डिमांडिंग वीडियो है, यानी कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने कुछ सवाल किए हैं और कुछ शंकाएं भी जाहिर की हैं, तो मेरा फर्ज है उन शंकाओं का दूर करूं मैं और उनका जो सवाल है उनका समाधान करूं। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने कहा है कि सर नेट के बारे में, जो वेद के बारे में आप बताइए, क्योंकि नेट में वेद पे से काफी सवाल आते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लगातार देखते रहे मेरे वीडियोस को। मैं वेद ही नहीं, मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा और बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि अगर किसी भी पार्ट में से कोई भी सवाल आएगा तो आप वो शख्स होंगे जो प्रत्येक सवाल का जवाब दे सके। मेरे एक जो व्यूअर ने कहा है कि सर आप ग्रामर लगातार पढ़ाएं और इसको बीच में नहीं छोड़िएगा, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज मैं बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ता और ना ही मैं कोई बीच में छोड़ूंगा। ग्रामर का जहां तक सवाल है कि 50% से ज्यादा ग्रामर के सवाल ही संस्कृत के एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको छोड़ने का तो सवाल वैसे भी नहीं है। ग्रामर का एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। और फिर भी यदि कोई मन में आपके सवाल रह जाते हैं तो इस मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर आप देख सकते हैं, वहां सवाल छोड़ सकते हैं, तो मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक मेरा व्यूअर है, उन्होंने ये कहा है कि सर आप हमें पढ़ाने के, याद करने के तरीके भी बताएं। तो तरीके मैंने आपको बताए, मेरा आप वीडियो देखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप कार्ड्स बनाएं, किस तरह से आप चीजों को रटें। और सबसे बड़ी चीज ये याद करने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा वो ये है कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़े, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी एक संधि उठा के पढ़ी, संधि में से आप उन सवालों को देखे, या समास आपने पढ़ा तो समास में से आप उन सवालों को देखे जो बहुत छोटे छोटे सवाल है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि समास कहाँ बनता है, ठीक है, समास कितने प्रकार के हैं, या संधियां कितनी हैं, या मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधियां कितनी हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं। आप इनको पहले पूरा पढ़ लें और फिर आंख बंद करके आप ये देखें कि जो भी पार्ट आपने पढ़ा है उसमें से कम 15 लाइनें आपको याद होनी चाहिए, और अपनी तरफ से उन 15 लाइनों को बना के आप दोहराएं कि संधि इतने प्रकार की होती है, समास इतने प्रकार के होते हैं, इस तरह से आप दो रहे हैं, तो ये चीज आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि सवाल इन्हीं चीजों में से आते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियोस को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा यह चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।